नमस्कार प्रणाम अभिनंदन दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट यारों का यार संतोष आपके अपने YouTube चैनल संतोष सब कुछ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी दो दिन पहले यह खबर आई है कि भारत सरकार ने TikTok सहित 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। देश की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया। दोस्तों, इन 59 ऐप्स में एक ऐप जिसका नाम क्या है, TikTok, उसके बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। उसके बैन होने से कुछ ज्यादा ही लोग खुश हैं। किसी महान इंसान ने कहा था कि TikTok और कोरोना एक ही देश के बीच है। गवर्नमेंट ने TikTok को तो हटा दिया, अब कोरोना की बारी है। मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि 10 से 12 साल के बच्चे TikTok का उपयोग करते हैं, जिस उम्र में उन्हें अपने उज्जवल भविष्य की चिंता करनी चाहिए उसमें वो TikTok के वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, मैं तो इसे यूज करता भी नहीं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि जो लोग इसको यूज करते हैं इस पर गलत कंटेंट डालते हैं, जो कि लोगों पर और समाज पर बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। मेरे हिसाब से इस ऐप को बहुत पहले ही बैन कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज बैन हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। पर दोस्तों, ये मैं नहीं कहता कि हर चीज गलत ही होती है। इस पे लोग अच्छे कंटेंट भी डालते थे जिससे कि समाज पर अच्छे प्रभाव भी आते थे। लेकिन दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके पास अच्छा कंटेंट है, अच्छे क्रिएटर हैं, उन्हें किसी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आज वो प्लेटफॉर्म बंद है, लेकिन दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं जहां वो अपना अच्छा टैलेंट, अच्छा क्रिएशन दिखा सकते हैं और अपना नेम और फेम बिल्कुल पा सकते हैं। दोस्तों, ये 59 ऐप्स जो भी हम यूज करते हैं उसका डेटा चाइना चुराती है और उसका गलत उपयोग करती है, जो कि देश हित में नहीं है, देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। और जब बात देश की सुरक्षा की आएगी तो हम और आप क्या इस वतन के लिए जान भी दे सकते हैं, ये ऐप्स क्या है। इसलिए मैं सरकार के इस फैसले से 100% सहमत हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी सहमत होंगे। भारत सरकार के 59 चाइनीज ऐप्स के बैन करने पर यूएस के सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने भारत के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इससे भारत की अखंडता और सुरक्षा बढ़ेगी। दोस्तों, मैंने अभी 10 दिन पहले एक चाइना भारत सीमा विवाद पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कई बार आग्रह, अनुरोध और आवाहन किया था कि आप चाइनीज सामान का बहिष्कार करें और चाइनीज एप्लीकेशन को डिलीट करें। और मुझे बहुत खुशी है कि मात्र 10 दिनों बाद ही सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बंद कर दिया, बैन कर दिया। उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे अवश्य देखें। अगर आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।